नमस्ते, मैं हूँ सुधा रानी। आप देख रहे हैं जस्ट भारत पॉलिटिकल कुल स्टोरीज। महाराष्ट्र मराठे पीपल्स 2024 असेंबली में इलेक्शंस में जा रहे हैं। 288 सीट्स वाले ये पूरा महाराष्ट्र में अब एक ही चिंता है, कौन असली शिवसेना कौन नकली शिवसेना, इसके बारे में जानना है। तो हम पूरा महाराष्ट्र को छानने की जरूरत नहीं, हार्ट कोर ऑफ द सिटी कैपिटल सिटी मुंबई सिटी और मुंबई सबर्बन्स में जानेंगे तो असली शिवसेना नकली शिवसेना इस बार वोटिंग किस तरफ जनता है ये पता चल जाए तो हमको मालूम पड़ जाएगी। तो जस्ट पॉइंट्स के तहत मैं आपके पास डेटा पेश करना चाहती हूँ। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरा जोश भी बढ़ती है। तो मुंबई सिटी हम देखें तो मुंबई सिटी में 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है और मुंबई सबर्बन में 26 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। तो नॉर्थ इंडियन गुजराती मारवाड़ी जैन कम्युनिटी मुंबई सबर्बन में है जो 26 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रहते हैं। ये लास्ट टाइम 2019 में बीजेपी को फेवर किया और वो यही एक्सपेक्टेशन से 2024 इलेक्शन में जा रही है। तो हम उद्धव ठाकरे की सेना की शिवसेना के बारे में बात करें तो विकोरिल बांदापुर दिनदोशी कैलीना वरौली सीट्स में ये बैस्टियन है उद्धव ठाकरे, यहाँ पे उनको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं। तो इन सीटों में उद्धव सेना को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही उन लोगों को दादर महिमा शिवाडी चेंबूर गोशेश्वरी ईस्ट दही सारा माकतन अंधेरी ईस्ट वेलपरेली घाटकोपर वेस्ट वडाला बाइकुला सीट्स के लिए बहुत मेहनत करने पड़ती है, ये इनका वीकनेस है। इंसिडेंट हम एक बार देखेंगे तो एकनाथ शिंदे लेड शिवसेना के बारे में बात करें तो इनको मुंबई सबर्बन में तो इनका स्ट्रांग होल्ड है। ऐसे ही मक्तना अंधेरी ईस्ट जोगेश्वरी ईस्ट चांदीवली कुरेला चेंबूर में यहाँ पे बीजेपी सपोर्ट से ये जीतने की आशंका रखती है। ऐसा शिंदे लेड शिवसेना के स्ट्रांग होल्ड है इन कॉन्स्टिट्यूएंसी क्योंकि बीजेपी बैक कर रही है। हाउएवर ये हम देखें तो शिंदे फैक्शन मेजर चैलेंजेस कहाँ पे है शिंदे साहब को बोले तो बांदपा वेस्ट विकोरिल दिनदोशी दादर महिमा वरौली मुंबई देवी। तो मुंबई देवी उद्धव ठाकरे का स्ट्रांग होल्ड नहीं है, ये ड्यूअल चल रहा है या शिवसेना लेड उद्धव ठाकरे को या शिवसेना लेड एकनाथ शिंदे को, किसी भी को वो वोट दे सकती है, ऐसा पोजीशन में है मुंबई देवी। जैसे चावल पकी नहीं है दाने के लिए एक चावल को पकड़कर देखे तो समझ सकते हैं, ऐसा महाराष्ट्र में 288 कॉन्स्टिट्यूएंस के बारे में जाने से बेहतर है कि मुंबई सबर्बन में किसके हाथ में शिवसेना जाएगी इससे हम पता चलता है। जब मुंबई देवी ड्यूअल में चल रही है एकनाथ शिंदे को भी दे सकती है वोट या उद्धव ठाकरे की लीड शिवसेना को भी दे सकते हैं वहां के जनता वोट। इस बीच में कांग्रेस घुसकर मुंबई देवी दादरीवी मलदा वेस्ट सीट्स में ये लोग अपना गढ़ जगाने की कोशिश करे। अजित पवार जी का फैक्शन जो एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार जी से हटके आने वाले अजित पवार जी का देखे तो ये अनुष्काटी नगर मनकुर्द शिवाजी नगर मनकुर्द शिवाजी नगर में बहुत टफ फाइट चल रही है। दोनों ये अर्णब जी को सुसाइड करने बोलने वाला नवाब मलिक और का एनसीपी से बाहर आने वाला अबू आजमी दोनों लड़ रहे हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का अधिनेता शरद पवार का यहाँ पे पूर पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे नेटवर्क उनका चलती नहीं है। रानी जयदेव बीजेपी का सिटिंग लेजिस्लेटर नाम पराग शाह से घटकापुर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुठभेड़ कर रही है, जनता किसको वोट देंगे ये जानेंगे। एमएनएस ने 25 सीट्स में कंटेस्ट कर रही है, दादर महिमा वरौली शिवाड़ी में उनका बहुत कंसंट्रेशन है और मगतानी बंदापुर वेस्ट विकोरिल घटकापुर वेस्ट में इनका कॉन्फिडेंस है वो जीतेंगे बोल के। शिवाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उद्धव ठाकरे लेड शिवसेना और साउथ मुंबई में बहुत स्ट्रांग होल्ड है तो शिवसेना को यहाँ पे ज्यादा
इनका स्ट्रांग होल्ड है। सिटिंग अजय चौधरी एमएनएस कैंडिडेट बाला नांदा गणकर से लड़ रहे हैं यहाँ पे, तो ये देखना है तो कौन असली शिवसेना कौन नकली शिवसेना। जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक डायग्राम दे रही हूँ, सो आप जब इलेक्शन रिजल्ट आए तो इन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, तो आपको ही पता चल जाएगा कौन असली शिवसेना कौन नकली शिवसेना। मकान विकास अघाड़ी को वोट देंगे क्या नहीं तो महायुति को वोट देंगे। असली शिवसेना नकली शिवसेना बोर्ड में उद्धव ठाकरे रो रो कर बोलते हैं, मगर वो एमएलसी है और इस बार भी किसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट नहीं कर रही है। जस्ट पॉइंट में आप नोट कीजिए और सोच समझ कर वोट दीजिए। इलेक्शन रिजल्ट में एग्जिट पोल में इन पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कौन जीतने वाले है। तो आपको इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। फिर एक वीडियो में मिलने तक मैंने तो आपसे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।